नमस्कार दोस्तों, भाग्य ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, 27 जुलाई को जो चंद्र ग्रहण लगने वाला है, आज मैं आपको उसके बारे में बताने जा रही हूँ। 27 जुलाई का चंद्र ग्रहण सदी का सबसे लंबा ग्रहण है। ये ग्रहण भारत में पूर्ण दिखाई देगा। ये ग्रहण साल का दूसरा पूर्ण चंद्र ग्रहण है। ये ग्रहण 27 जुलाई रात को 11:49 से लेकर 28 जुलाई सुबह 3:49 तक लगेगा। करीब करीब 3 घंटे 55 मिनट तक ये ग्रहण लगेगा। इस ग्रहण की छाया 9 घंटे पहले ही लग जाएगी। इससे पहले चंद्र ग्रहण 31 जनवरी को लगा था, जिसकी अवधि 3 घंटे 30 मिनट तक थी। दोस्तों, ये ग्रहण मकर राशि में लगेगा। उस टाइम चंद्रमा मकर राशि में होंगे, उनके साथ मंगल और केतु भी होंगे, इसलिए ये ग्रहण शुभ नहीं माना गया। इसका 12 राशियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, किस राशि में ये ग्रहण शुभ और किस राशि में अशुभ रहेगा, इसके बारे में आपको मैं बताती हूँ। पहले बात करते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि वाले जातकों के लिए चंद्र ग्रहण अधिक शुभ शुभ नहीं होगा। इसका मिला जुला प्रभाव उन पर रहेगा। मेष राशि के जातकों को सफलता के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। उनको उनकी सेहत का भी ध्यान रखना पड़ेगा। वृषभ राशि वाले जातकों की आर्थिक स्थिति ठीक होगी, पर उन्हें विवादों से दूर रहना पड़ेगा, नहीं तो चिंता बनी रहेगी। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ग्रहण का असर मिला जुला रहेगा। धन लाभ हो सकता है, व्यापार में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी, लेकिन उन्हें अपने खर्चों पर ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले जातकों के कारोबार में जो लंबे समय से समस्याएं आ रही हैं वो दूर होंगी। उन्हें लाभ मिलेगा, पर उन्हें अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा। अपने पार्टनर या जीवन साथी से बातचीत करते समय धैर्य से बात करनी होगी। सिंह राशि वाले जातकों के स्वास्थ्य पर चंद्र ग्रहण का बुरा प्रभाव पड़ सकता है। उन्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। पैसे के लेन देन में भी सावधानी रखें। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों के लिए चंद्र ग्रहण शुभ है। उन्हें धन लाभ होगा, लोगों से उन्हें सम्मान मिलेगा, मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं उनके घर में। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए भी अच्छा समय होगा। कारोबार में सफलता के योग बढ़ जाएंगे, आय में भी वृद्धि होगी, उनके रुके हुए कार्य बनेंगे। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए चंद्र ग्रहण का असर कुछ मिला जुला ही है। व्यापार अच्छा रहेगा, प्रियजनों के साथ अच्छा रहे समय व्यतीत होगा उनका, लेकिन उन्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले जातक व्यापार में निवेश ना करें, जो भी काम करें सोच समझ कर करें, परिवार में भी उनके अनबन हो सकती है। मकर राशि वाले जातकों पर चंद्र ग्रहण सामान्य होगा। आय में वृद्धि हो सकती है, रुके काम बनेंगे, पर किसी बात को लेकर उन्हें तनाव हो सकता है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ग्रहण का प्रभाव भी कुछ सामान्य ही होगा। उन्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। उनका रुका हुआ धन उन्हें वापस मिल सकता है। उनकी यात्रा का भी योग बन रहा है। अब बात करते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए चंद्र ग्रहण बहुत शुभ होगा। व्यापार में उन्हें सफलता मिल सकती है, परिवार से उनका अच्छा सुख मिलेगा, यात्रा का योग भी उनका बन रहा है। दोस्तों, मैं इन सभी राशियों के लिए अब आपको कुछ सामान्य उपाय बताने जा रही हूँ। आप ग्रहण के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं। इनसे आपको आपकी परेशानियों से कुछ मुक्ति मिल जाएगी। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।